हेलो दोस्तों, गायत्री की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे पार्ले बिस्किट का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी केक। दोस्तों, एकदम सुपर सॉफ्ट, एकदम जालीदार, बिल्कुल एकदम स्पंजी केक हमारा बनकर तैयार हुआ है बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों, हम इसको बिना ऑयल के बनाए हैं। दोस्तों, एक बार अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया तो सच बताएं आप लोग भी कि देखते ही आप लोग इसको बनाने लगोगे बहुत इजी तरीके से। आज इस केक को हम कढ़ाई में बेक करेंगे और बहुत ही आसानी से दोस्तों ये बनकर तैयार हो जाता है बिना ज़्यादा टाइम लगे। देख सकते हैं दोस्तों, केक हमारा कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। हम इसको मात्र एक कप दूध से पूरा केक हम बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम स्पंजी हमारा केक बना है। तो देखिए दोस्तों, इसका लुक कितना प्यारा आया है। मैंने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट लगा दिए ताकि थोड़ा सा और सुंदर लगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए कढ़ाई तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ाई में हमने नमक डाल लेना है। दोस्तों, मैं कई बार यूज कर चुकी हूँ नमक को, तो मैं जब भी कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो यही नमक मैं बार बार यूज करती रहती थी, इससे ना लाल पड़ चुका है। तो कढ़ाई को मैंने नमक डालकर रख दिया है, वो गर्म होती रहेगी जब तक मैं इधर मोल्ड में घी लगाकर, यहाँ पे मैंने घी नहीं ऑयल लगाया है। अब इस पर बढ़िया से बटर पेपर बिछाकर इसको ऊपर से हल्का हल्का सा ग्रीस कर दूंगी। तो यहाँ पर हमने दो पैकेट ये 10 रुपये वाले पार्ले बिस्किट ले लेने हैं। अब इनको हम खोल लेंगे। तो दोनों पैकेट हम यहाँ पर खोल लिए हैं। अब इनको ना छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे इस तरह से। तो अब हम चलिए इनको डालते हैं मिक्सी जार में। तो मैंने ये मिक्सी जार ली है बड़ी वाली ली है। तो एक ही बार में इसमें छोटी वाली में नहीं आएंगे, जो बड़ी वाली होती है। तो एक ही बार में सारे बिस्किट आ चुके हैं। तो मैं इसमें आधा कप चीनी डाल दूँगी। दोस्तों, चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चीनी दोस्तों हिसाब से ही करिएगा, क्योंकि पार्ले बिस्किट ऑलरेडी मीठे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिक्सी चला दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा दोस्तों ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। ये देखिए, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा ले लिया है। अब यहाँ पर हम ले लेंगे बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ले लिया है। दोस्तों, अगर हम इसको घर के चम्मच से नापेंगे तो आधा चम्मच जो है बेकिंग पाउडर है और उसका आधा हम बेकिंग सोडा डालेंगे। तो बस अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप दूध। तो दोस्तों, दूध आपका उबला हुआ होना चाहिए और ठंडा दूध होना चाहिए। तो अब हमने यहाँ पर दूध को डाल देना है और एक बार हम मिक्सी को और चला देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ना आप साथ में ही अब हम डाल देंगे इसमें कोको पाउडर। तो आप दूध के साथ ही कोको पाउडर डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं भूल गई थी, तो इसलिए मैं बाद में अब मैं दोबारा से कोको पाउडर डालकर एक बार मिक्सी को हम और चला देंगे। तो यहाँ पर मैंने कोको पाउडर 3 चम्मच डाला है। तो 2 पैकेट बिस्किट में मैंने 3 चम्मच कोको पाउडर डाला है और 2 चम्मच दूध डालकर हम इसको बढ़िया से चला देंगे। तो ये देखिए, इसका इस तरह से पेस्ट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो यूँ मानकर चलो, टोटल हमने 1/4 कप दूध में इसको बनाकर तैयार करना है। 2 चम्मच मैंने फालतू में ऊपर से और डाल लिया, वैसे उसको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही इस तरह का बैटर आपका बनना चाहिए। तो दोस्तों, हम इस केक में ना ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, बिना ऑयल के बनाएंगे। और देखें आप लोग कितना बढ़िया हमारा केक बना है। तो हम इसको बढ़िया से डालकर मोल्ड में सारा हम इसमें निकाल लेंगे, मिक्सी में से जो भी लगा है ना, ये सारा हम निकाल कर अब इस पर हम थोड़ी सी ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो यहाँ पर हम बादाम और काजू डालेंगे। दोस्तों, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप ऐसे ही बना लीजिए। अगर इस पर काजू बादाम नहीं डालना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं, इससे कोई स्वाद में फ़र्क नहीं पड़ता है। बस इसको थोड़ा सा लुक अच्छा देने के लिए मैंने यहाँ पर काजू बादाम डाल दिए। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, इसको चेरी भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी बढ़िया से इस तरह से। अब चलिए, हमारी कढ़ाई भी बढ़िया से गर्म हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया इस टाइम गर्म हो चुकी है। तो बहुत ही आराम से हम इसमें रख देंगे स्टैंड। तो स्टैंड मैंने उल्टा रखा है, ऊंचा रख रही थी, सीधा रख रही थी तो बहुत ऊंचा पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने उल्टा रखकर इस तरह से रख के बढ़िया से इसको हम अभी 30 मिनट तक बेक होने देते हैं, उसके बाद हम इसको देख लेते हैं। तो 30 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। ये देखिए, आप लोग देख पा रहे केक हमारा कितना बढ़िया फूल रहा है। तो इसमें ये टूथ पिक डालकर देख लेते हैं। तो ये देखिए, अभी हमारा केक नहीं पका है, तो जो टूथ पिक में है ना केक लग के आ रहा है, तो इसका मतलब अभी हमारा जो केक है पका नहीं है। तो इसको हम ढककर करीब 15 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो अभी 30 मिनट हुआ है, अभी हम 15 मिनट के लिए केक को और पकाएंगे। तो दोस्तों, आँच को आपको ना जो मीडियम आँच होती है ना उससे कम ही रखना है, बहुत ज़्यादा आँच को ना तेज़ नहीं रखना है। तो ये देखिए, 15 मिनट से कम ही हुआ है। तो ये देखिए, पूरी तरह से हमारा केक बहुत ही बढ़िया पक चुका है। तो जब भी कुछ भी किसी भी चीज़ से अगर आप केक को चेक करते हैं ना, तो बीच में डालकर चेक करिए, बीच में ही
केक को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, साइड से जल्दी पक जाता है लेकिन बीच में पकने में इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये देखिए केक को मैं थोड़ा सा इस तरह से ढक के रख दूँगी ताकि ये थोड़ा बढ़िया ठंडा हो जाए, उसके बाद हम इसको काटेंगे। तो ये देखिए दोस्तों केक ठंडा होने के बाद ये साइडों से बहुत ही बढ़िया छोड़ दिया है, और देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से मैंने इसको बिना ऑयल के बनाया है और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है दोस्तों बिना किसी मेहनत के। तो इस तरह से हम ना चाकू से थोड़ा सा हम साइड निकाल देंगे, वैसे नहीं भी चाकू लगाएंगे तब भी ये निकल गया है, ऑलरेडी ये सारे साइड को चारों तरफ से छोड़ दिया है। तब इस तरह से प्लेट रखकर इसको हम पलट लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों केक हमारा कितने आराम से पलट गया है, निकल गया है बहुत ईजली, और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। ऐसे लग रहा है ये चॉकलेटी केक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। इसमें जो मतलब पार्ले का जो स्मेल मतलब होता है ना टेस्ट, वो ख़त्म होके एकदम चॉकलेटी केक आ जाता है, मतलब चॉकलेटी वाला फ्लेवर आ जाता है। सच में दोस्तों बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम चीज़ों से हमारा ये केक बनकर तैयार हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों कितना सॉफ्ट, एकदम बिल्कुल स्पंजी हमारा केक बना है। दोस्तों इसी तरह से बनाइएगा तो आपका भी केक बहुत ही आराम से और बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार होगा। दोस्तों यहाँ पकने में जो पकने का टाइम है 2-4 मिनट का ऊपर नीचे हो सकता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि क्वांटिटी के हिसाब से होता है दोस्तों, आप कितना बना रहे हैं और आपका मोल्ड कैसा है, गहरा है या कैसा है, तो उसी के हिसाब से 2-4 मिनट 10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो सेम तरीके से बनाइएगा तो आपका भी केक बिल्कुल जालीदार, इसी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी केक बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।